गुलाबी ठंड के साथ ही बाजार में तिल से बने व्यंजनों की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। बाड़मेर शहर के बाजारों में तिल से बनी पपड़ी, गजक, रेवड़ी आदि खाद्य पदार्थों की दुकानें सज चुकी हैं। जैसे जैसे सर्दी में वृद्धि हो रही है, तिल से बने व्यंजनों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। थार नगरी में चुनावी माहौल की गर्मी को कुछ ठंडा करने के लिए मौसम यकायक पलटी मार रहा है। पिछले एक सप्ताह में ज्यों ज्यों चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, त्यों त्यों तापमान का पारा लुढ़कता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सर्दियों के पकवान यानी तिल से बनी मिठाइयों की दुकानें भी थार नगरी में सजने लगी हैं। जिला मुख्यालय के बाजारों में इन दिनों तिलों में बनी मिठाइयों की दुकानें देखी जा रही हैं। तिल से बनी पपड़ी, गजक, रेवड़ी आदि खाद्य पदार्थों की दुकानें सजी हुई हैं। जैसे जैसे सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है, तिल से बने व्यंजनों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। तिल की मिठाइयों के शौकीन खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। फालतू की देख बातें करो मत। हेलो, तिल से बनी मिठाइयां विशेष तौर पर सर्दियों में ही खाई जाती है। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में तिल की मिठाइयां खाने के शौकीनों की तादाद ज्यादा है। यही वजह है कि बाड़मेर शहर के बाजार में तिल की मिठाई की दुकानें भी भरमार हो रही है। सर्दी बढ़ने के साथ ही तिल की मिठाइयों की बिक्री भी परवान पर चढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ दुकानदार भी भांति भांति की मिठाइयां सजा कर बैठे हैं।